बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं बना रही हूँ नाचनी की रोटी, जिसके लिए एक गिलास पानी डाली हूँ। आपको सब बता रही हूँ, नाचनी की रोटी हेल्थ के लिए बहुत अच्छी रहती है, जो मैं दिन में एक तो खाती हूँ। उसमें नमक डाली हूँ थोड़ा सा, उसमें थोड़ा अजवाइन डाल रही हूँ, उसमें थोड़ा हींग डाल रही हूँ। ये उस चीजें अपने फायदे की रहती है जो मैं कर रही हूँ, और नाचनी की रोटी की तो फायदे सबको पता है। तो आप भी देखोगे, आप भी करोगे। पानी को उबाल आने के बाद उसमें नाचनी का आटा डालने का, फिर इसको गरम गरम मलने का और रोटियां बनाने की जो मैं आपको दिखा रही हूँ, अपने हिसाब से वो लेने का, क्योंकि आपको समझता है कितना आटा डालने का रहता है। मैंने तो दो आटी आटा डाली छोटी छोटी। फिर उसको ऐसा थोड़ा ठंडा करने का और मलने का आटा। मैं कोकनी हूँ तो कोकनी हर चीज जानती हूँ करना, कुछ चीजें दूसरी भी करती हूँ, सब कुछ करती हूँ, मगर कोकनी चीजें मुझे बहुत पसंद है। इसको ऐसे एक साथ मिलाने का, ऐसा कर नरम आटा करने का, फिर उसका गोला बनाने का, फिर उसको ऐसा बेलने का। तुम्हें चाहिए तो तुम बेलन से भी कर सकते हो। मैं किसी उम्र रसीदा औरत हूँ, बूढ़ी औरत हूँ, तो मुझे आता है हाथ पर करना। अगर तुम बच्चिया हो, तुम्हें नहीं आता हो, तो बेलन से करने का, थोड़ा तेल लगाने का और बेलन से। उसकी भी एक रोटी करके दिखाऊंगी आपको, पहले ये दिखाऊंगी बाद में वो दिखाऊंगी। ये देखो हो गई। फिर थोड़े तवे को तेल का हाथ लगाने का, जिससे रोटी काली नहीं होती। ये अपनी ताकत के लिए बहुत अच्छी रोटी,
हर चीज उसमें रहती है। बिस्मिल्लाह। अब एक रोटी तुमको बेलन से भी करके दिखाऊंगी, ये सबको के हाथ पे नहीं आता। अब उसको पलटी करने की बिस्मिल्लाह का, बेलन को लगाने का, थोड़ा सा तेल का बेलन को लगाने का, यानी चिपकता नहीं उससे। मैं कोकनी हूँ, मुझे कोकनी बोलने की आदत है, मगर फिर भी मैं उर्दू क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि किस किस को कोकनी नहीं आता, तो मेरी सब बच्चियां सीखे। ऐसे बेलन से भी अच्छी आती है, और मुझे कैसे आदत है पहले से हाथ से भुनने की, तो मैं हाथ से भुनती हूँ। हाथ से ऐसा सही कर सकते हो। हो गई। अब ये देखो इधर की रोटी अपनी हो रही है। ये मेरा कारा सुबह सुबह को हो रहा है। नमस्ते पहले बोलो, नमस्ते पहले कारा पकने रखती हूँ ना, धनिया, जीरा, अजवान, कलौंजी, ये सब थोड़ा थोड़ा डाल के कारा रखती हूँ। फिर नमाज होने के बाद उसको निहार मुँह यानी बगैर खाए उसको एक कप पी लेती हूँ। मैं भी पीती हूँ, अपनी बेटी को भी देती हूँ, ये कोलेस्ट्रॉल के लिए, थायराइड के लिए बहुत अच्छा। ये देखो हो गई अपनी रोटी। अब मैं आपको एक दूसरी भी रोटी दिखा रही हूँ जो बेलन से भुनी, और ये कारा पीने के बाद एक घंटे के बाद में कुछ खाती हूँ। भी रोटी अच्छी रहती है। मुझे कैसे हाथ की आदत, तो मैं आपकी बनती हूँ, ऐसे भी आप आराम से भून सकते हो।
हो गई अपनी रोटियां। अब एक गिलास पानी दिया था ना, उसमें 6 रोटी हो गई। इसको भाकड़ी भी कहते हैं, रोटी भी कहते हैं। और ये जो कारा मैंने आपको बताई ना, ये देखो पककर पाउन हो गया, पूरा तो भरा हुआ था। इसके बहुत फायदे हैं, मुझे थायराइड निकला था, कोलेस्ट्रॉल बहुत था। 6 महीने से मैं ये कारा पी रही हूँ और मैंने टेस्ट किया तो मेरा कोलेस्ट्रॉल भी कम है, थायराइड भी कम है। इंशाल्लाह अल्लाह ने चाह तो हमेशा के लिए जाएगा। अल्लाह हर बीमार को शिफा दे, हर एक की बीमारी को खत्म करे और आफियत की उम्र दराज़ी लंबी अता करे, आमीन। अपन करे तो बहुत कुछ है, ना करे तो कुछ भी नहीं है। हो गई अपनी रोटियां, हो गई अपनी रोटियां भी हो गई, अपना तारा भी पक गया। अब चलो नमाज की तैयारी। अपनी 6 रोटियां हो गई, चलो अपनी रोटियां भी हो गई, 6 रोटी हो गई। ये देखो 2, 3, 4, 5 और 6, एक गिलास में 6 रोटियां हो गई। ये अपना कारा भी बन गया। अब नमाज की तैयारी, 6 बज गए। अल्लाह हाफिज़।